सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। आज है फ्राइडे और आज रिलीज हुई है सैफ अली खान की फिल्म शेफ, और मैं आपके लाई हूं इस मूवी का क्विक रिव्यू। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की पूरी ड्यूरेशन है 2 घंटे 13 मिनट। आइए अब बढ़ते हैं इसकी कहानी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि ये मूवी देखने लायक है या नहीं। रोशन कालरा यानी कि सैफ अली खान एक 3-स्टार मिशन शेफ हैं, जिसे न्यूयॉर्क की एक रेस्टोरेंट से इसीलिए बाहर निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने एक कस्टमर को पंच मारा था। उन्हें जबरन ब्रेक लेने को कहा जाता है और वो अपने बेटे अरमान यानी कि स्वर और अलग हो चुकी पत्नी राधा मेनन यानी कि पद्म प्रिया के साथ वक्त बिताने के लिए कोची आ जाते हैं। ये ट्रिप उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है क्योंकि इस दौरान वो अपनी बिखरी हुई फैमिली को समेट पाने को एक अच्छी कोशिश करते हैं। उसे एक अपनी खूबियां और ताकत का एहसास दिलाने के मकसद से उसकी पत्नी उसे सलाह देती है कि उसे एक नई शुरुआत करनी चाहिए और इसी क्रम में अपना फूड ट्रक शुरू करना चाहिए। साल 2014 में हॉलीवुड निर्देशक जॉन फेवरो ने शेफ के नाम से जो फिल्म बनाई थी और उसी फिल्म से प्रेरणा लेते हुए बॉलीवुड निर्देशक राजा कृष्णा मेनन ने सैफ अली खान के साथ बनाई है ये फिल्म शेफ, जो दर्शकों को जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराने के साथ ही उनके दिल को छू लेती है। शेफ 2 स्तर पर काम करती है। पहले स्तर पर फिल्म आपको पाक कला और खाने से जुड़े एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां फिल्म के नायक के खाने बनाने की कला देखकर आपका भी मन करेगा अपना एप्रन, चाकू और दूसरी चीजें लेकर सीधा किचन में जाने का, और स्क्रीन पर दिखाए गए एक से एक मजेदार खाने को बनाने का, जिसे देखते ही लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दूसरी और सबसे जरूरी कि ये फिल्म आपको एक बेहतरीन इमोशनल जर्नी पर ले जाएगी जो बाप बेटे के बीच कमजोर पड़ रहे रिश्ते को मजबूत करती दिख रही है। जिनकी विचारधारा भले ही अलग हैं, लेकिन उनके बीच की बॉन्डिंग इतनी मजबूत है और कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। रिश्ते की बनावट को इतना बखूबी यहाँ हैंडल किया गया है कि कई बार आपकी आंखें नम हो जाएंगी। फिल्म की कहानी सैफ अली खान के कंधों पर टिकी है। इस बार सैफ अपने शानदार अंदाज में पर्दे पर दिख रहे हैं, चाहे वो एक केयरिंग पिता के रोल में हो या फिर हस्बैंड के रोल में, जो रिश्तों को बेहतरी की कोशिश करते हुए आपको खूब जचेगा। ये फिल्म आपको फन से भरे एक ऐसे रोड ट्रिप पर ले जाएगी जहां खाने और फैमिली पर खास फोकस है। यहां कुछ मजेदार मुकाबले भी देखेंगे। तो इन टोटल ये फिल्म कैसी है? भले ही शेफ की कहानी जगह जगह आपको जानी पहचानी लगे, लेकिन इस जर्नी को आप एंजॉय करेंगे। तो फिल्मी बीट इस मूवी को देता है 5 बीट्स में से 3.5 बीट्स। जाइए, इस हफ्ते ये फिल्म रिलीज हुई है, आनंद उठाइए और एंजॉय कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।